नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंपावत में हुए उपचुनाव के बाद आज मुख्यमंत्री ने काठगोदाम सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करने के साथ साथ जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 साल के कार्यकाल में देश और प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा आम जनता को मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश के हालात बदले हैं। वहीं पत्रकार वार्ता के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को अधूरे और रुके हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुबह से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। 2014 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है। तो हल्द्वानी से ये थी हमारे सहयोगी आबशार बख्श की रिपोर्ट। इसी तरह की खास और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।